हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। आई होप सारे अच्छे होंगे। सो टुडे लेट्स एक्सप्लोर माय प्लेस विच इज़ लोकेटेड इन रांची झारखंड। झारखंड विच इज़ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ मिनरल्स इन एशिया, हाँ नॉट ओनली इन इंडिया। झारखंड इज़ द ओनली वन स्टेट इन इंडिया हु प्रोड्यूस कोल, यूरेनियम, मेनी मोर, विच इज़ 25.7 ऑफ द टोटल रिजर्व इन रैंक वाइज इज़ सेकेंड। एनीवेज, चलिए चलते हैं मेरा गांव, एक ऐसा गांव जहां की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जहां पे 95% लोग आज भी ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनता है। एंड यहां की वेदर, तो यू कैन सी, ये मेरा घर के बैकग्राउंड व्यू है, जहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम यू नो चिड़िया चहचहाते रहते हैं। फुल ऑफ नेचर भरा हुआ है, एक ऐसा एक ऐसी जगह, ऐसा फील होता है कि सारे स्ट्रेस ही दूर हो गई। स्ट्रेस आता ही नहीं है। सो शाम के टाइम में ऑलमोस्ट यहाँ पे बारिश होती है अप्रैल के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं। एंड यूँ कहूँ तो लोग अभी भी 90s में जी रहे हैं, एक ऐसे जैसे अपन मूवी देखते हैं कभी तो 19th century में लोग कैसे बैलगाड़ियों में जाना आना, तो वो सारी चीज़ें आज भी दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ है, कहें तो स्कूल वाइज एंड एवरीथिंग। तो आई वुड लव टू इनवाइट एवरीवन जिन्होंने झारखंड एक्सप्लोर नहीं किया, आए झारखंड के कल्चर को देखें, यहाँ के थोड़े दिन ज़िंदगी को जिए, एक ऐसा जहाँ पे फुल ऑफ फ्रेश एयर मिलता है। स्कूल्स एंड एजुकेशन की बात करूँ तो टाइम पे इनको एक्टिविटीज़ कराया जाता है यहाँ के बच्चों को, सो दैट कि वो एक्टिव रहें अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एंड एवरीथिंग, मतलब हर एक फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो ये हमारे फार्म्स हैं जहाँ पे हम लोग खुद के वेजिटेबल्स खाते हैं उगाए हुए, एंड ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं यहाँ पे। ये मैं थोड़ी बहुत टाइम पास करती रहती हूँ फ्रूट्स गार्डन में जाकर, मेरे भाई का फ्रूट्स गार्डन है, एंड आई जस्ट स्पेंड माय टाइम लाइक दिस टू कैप्चरिंग दिस थिंग्स। सो दिस इज़ आवर प्लेस, एंड ये बालकनी व्यू है, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एंड जो वेदर होता है बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड धूप है तो एक साइड छाव है। उस पहाड़ इस पहाड़ में बिल्कुल ही छाव है, इस पहाड़ में हाफ शेडो है, हाफ शाइनी है। सो फ्लक्चुएट होती है यहाँ पे वेदर बहुत जल्दी। शाम में अप्रैल से ही शाम में बारिश होना स्टार्ट होती है और दिन में गर्मी होती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, हमारा गांव घूमकर कैसा लगा। सो इफ लाइक, सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक कमेंट एज वेल।